नमस्कार दोस्तों, ये है वर्ड सीरीज का लेक्चर नंबर 13 और सुन लो क्या कहना है इसमें मेरा। जी हाँ दोस्तों, वर्ड सीरीज के लेक्चर नंबर 13 में हम सीखने वाले ये टेक्स्ट जो कि इंसर्ट में ये ग्रुप है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हम लोग सीखने वाले और हमारा पेज नंबर भी बाकी वो भी हम इसमें कवर करने वाले। तो चलिए इंतजार की इस बात का शुरू करते हैं। मैं हूँ सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस लेक्चर। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑलरेडी ओपन है तो मैं आपको दिखा दूं कि पेज नंबर कैसे अप्लाई करना है। पेज नंबर वैसे भी तो मैंने बताया था कि फुटर में कैसे अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे पेज नंबर डिटेल्स में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पेज नंबर पे मैंने क्लिक किया है। टॉप ऑफ द पेज, पेज नंबर आपको ऊपर चाहिए तो आप ऊपर भी दे सकते हैं। जैसे आपको ये फॉर्मेट में चाहिए, फॉर्मेट बहुत सारे, आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे, स्क्रॉल बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, स्क्रॉल करेंगे तो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, अलग अलग फॉर्मेट में आ जाएंगे। आप चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट चाहिए या जो भी फॉर्मेट चाहिए, एक नॉर्मल फॉर्मेट चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये टॉप ऑफ द पेज पेज नंबर आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ और क्लोज हेड एंड फुटर कर देता हूँ। फिर से मैं जा रहा हूँ इंसर्ट में दोस्तों, और फिर से पेज नंबर में जा रहा हूँ बॉटम ऑफ द पेज, तो बॉटम में भी ऐड कर सकते हैं। वैसे पेज मार्जिन्स मतलब साइड में आ जाएगा। देखिए ये पेज मार्जिन्स में इस तरह से आ रहा है, हर एक पेज पे आप देखेंगे। सपोज मैं यहाँ पे, मेरे पास तो एक ही पेज है, मैं ज़रा पेजेस ले लेता हूँ। कंट्रोल एंटर प्रेस करके आप ब्लैंक पेज भी ऐड कर सकते हैं या कोई पैराग्राफ लिख के आपको दिखाई देगा पेज ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेज वन, पेज टू, यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। तो समझ में ये कैसे करना है दोस्तों आपको? तो यहाँ पे पेज तो मार्जिन में भी ऐड होता है। तो चलिए मैं इंसर्ट में आगे जाता हूँ, पेज नंबर्स यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे रिमूव पेज नंबर्स, और पेज नंबर में दिया है आगे करंट पोजीशन पेज नंबर। जी हाँ, करंट पोजीशन यानी कि आप जिस पोजीशन पे वहाँ पे पेज नंबर ऐड होगा। लेकिन ये क्या होगा, ये रिपीट नहीं होगा। जो हेडर एंड फुटर में होता है वो रिपीट होता है, लेकिन ये यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। जैसे ये यहाँ पे ऐड होगा, बस आपको नोट डाउन करने के लिए या कुछ नोट्स में लिखने के लिए कि ये पेज नंबर वन है सपोज समथिंग, तो आपको ये पेज नंबर टू पे ही दिखा है, आपने कर्सर वहाँ पे करंट पोजीशन पे ऐड कर दिया। इसलिए तो करंट पोजीशन पे आप पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे ये बताना है यहाँ पे कि पेज नंबर में और भी ऑप्शंस है जो कि यहाँ पे आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, फॉर्मेट पेज नंबर एक ऑप्शन है, फॉर्मेट पेज नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका यूज़ क्या करेंगे हम लोग? तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। सपोज मैं फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पेज नंबर्स में जो नंबर आ रहे हैं उसका फॉर्मेट हम एबीसी टाइप भी रख सकते हैं या रोमन एबीसी रख सकते हैं या फिर बहुत कुछ है। यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा। तो यहाँ से आप ले सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स लेते हैं। उसके बाद इंक्लूड चैप्टर नंबर, अगर आप चैप्टर नंबर भी मतलब हेडिंग वन, हेडिंग इस तरह से आप ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते हैं। चैप्टर नंबर इंक्लूड करना है तो फिलहाल इसे स्किप कीजिए, फिलहाल 1, 2, 3 रखना है हमें पेज नंबर्स, तो इस तरह से हम लोग रखेंगे। अब कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस मतलब जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेगा, लेकिन मैं स्टार्ट एट कर रहा हूँ, स्टार्ट एट मैं 5 कर रहा हूँ। अब 1, 2, 4 पेज नंबर सपोज कोई और डॉक्यूमेंट में बनाए गए हैं और इस डॉक्यूमेंट में 5 से आगे के पेज नंबर बनाए जा रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पेज नंबर 5 से स्टार्ट होगा, लेकिन पहले पेज नंबर तो अप्लाई कर दो भैया। वैसे कैसे दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए अभी 5 से पहला पेज मतलब 5 नंबर का पेज, दूसरा पेज मतलब 6 नंबर का पेज। तो इसका यूज़ क्या होता है, सपोज आप 5 से आगे पेजेस बना रहे हो तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सपोज ये एक एग्जांपल ले लो ना, मैगजीन का एक सेशन या कोई भी एक सेशन स्टोरी का, जिसमें आपको उतना ही टॉपिक लिखना है, बस आपको 5 ही पेजेस से लेकर 10 पेजेस तक लिखने के लिए बोला है, तो आपको पेज नंबर 5 से स्टार्ट करना चाहिए। इसी बात है, जैसे न्यूज़पेपर में स्पोर्ट न्यूज़ अलग रहता है, तो स्पोर्ट न्यूज़ एडिटर क्या करेगा, वो अपने पेज नंबर्स वहाँ पे अप्लाई कर देगा जो उसको वहाँ पे होने चाहिए। तो आपको वो पेज नंबर यहाँ पे देना है। 1, 2, 4 आप अलग अलग डॉक्यूमेंट में बना रहे हो और यहाँ पे 5 से आगे बना रहे हो, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबर से आप कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन अभी एक क्वेरी मुझे हाल ही में आई थी कि पहले पेज नंबर को मतलब कवर पेज है तो उसको पेज नंबर नहीं देना है, तो यहाँ पे स्टार्ट एट 1 करेंगे तो ये पहले पेज पे तो 1 आ ही जाता है। मुझे दूसरे पेज से पेज नंबर स्टार्ट करना है, मतलब दूसरे पेज पे 1 रहना चाहिए। तो ये एक यूनिक क्वेरी थी। अभी मैंने कमेंट पढ़ा, उनका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि करना कैसे है। उसके लिए पेज नंबर में जाइए आप, पेज नंबर में क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर के बाद यहाँ पे आपको करना है 0। जी हाँ, 0 करेंगे हम। अभी 0 करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे पेज नंबर 0 आ रहा है, फिर 1 नंबर आ रहा है। मुझे मतलब
पहले पेज पे तो जीरो भी नहीं चाहिए, मतलब पहले पेज पे यहाँ पे आप देखेंगे जीरो आ रहा है, ये जीरो भी नहीं चाहिए, बॉटम में पेज नंबर मैंने अप्लाई किया है। तो मुझे चाहिए क्या वहाँ पे, ये दूसरे पेज पे वन आ रहा है, ये ठीक है, यही मेरा टास्क है और यहाँ से आगे कंटिन्यू होना चाहिए। तो पहले पेज से जीरो हटाने के लिए करेंगे क्या हम लोग, तो हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग इससे एडिट करेंगे। तो एडिट हेडर एंड फुटर के लिए एक तो यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम लोग फुटर में जाकर एडिट फुटर कर सकते हैं, क्योंकि फुटर एडिट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट फर्स्ट पेज यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे आप फर्स्ट पेज पे डिफरेंट चेक करोगे, ये जीरो यहाँ से हट जाएगा। जी हाँ, डिलीट करने की जरूरत नहीं है, डिलीट मत कीजिए, बिल्कुल डिलीट करेंगे तो वो सबसे हट जाएगा। तो यहाँ से बस डिफरेंट फर्स्ट पेज कीजिए, आपको दिखाई देगा यहाँ पे फर्स्ट पेज दिखाई दे रहा है ना, सेकेंड पेज से आ रहा है ये वन, और ये फर्स्ट पेज पे यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो वही एक क्वेरी थी जो मैंने दो तीन दिन पहले कल ही पढ़ी थी एक्चुअली, लेकिन मुझे वो याद नहीं अभी क्या नाम था उनका, लेकिन ये क्वेरी यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दी है। तो आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट पेज पे अगर कोई पेज ऐड करना तो उस पर पेज नंबर कैसे, मतलब आप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और दूसरे पेज से एक नंबर कैसे स्टार्ट कर सकते। तो इस तरह से ये पेज नंबर्स ऐड करते हैं दोस्तों, और पेज नंबर्स किस तरह से फॉर्मेट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आगे है टेक्स्ट बॉक्स दोस्तों, ये टेक्स्ट बॉक्स क्या यूज होता है, ये छोटे छोटे ऑप्शन से टेक्स्ट जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप में, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये छोटे छोटे ऑप्शन यूज कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक पैराग्राफ आपने लिखा है जिसमें आपके पास कुछ ऐसे छह पैराग्राफ और हर एक पैराग्राफ में छह सेंटेंसेस कंटेंट है। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है इसमें मैं टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स में मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है इस पैराग्राफ के बीच में ही आ रहा है, वहाँ पे लिख के भी आ रहा है, ग्रैब योर रीडर अटेंशन विद अ ग्रेट कोट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट और यूज दिस फ्रेज टू एम्फेसिस अ की पॉइंट टू प्लेस दिस टेक्स्ट बॉक्स एनीवेयर, प्लीज ड्रैग इट, जस्ट ड्रैग इट, जस्ट ड्रैग इट। ये आप लोग ड्रैग करके कहीं पे भी रख सकते हैं, जी हाँ यहाँ पे रखना है वहाँ पे रखना है, लेकिन इसका यूज क्या है, ग्रैब योर रीडर्स अटेंशन, मतलब आपकी जो रीडर है उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए। जैसे आप एक बुक खरीदने जाते हो मार्केट में, कोई भी नॉवेल्स वगैरह, तो आप पूरा बुक तो थोड़ी पढ़ते हो, जैसे आप बुक देखते हो और उसके अंदर पेजेस देखते हो तो आप हमेशा हाईलाइट या की पॉइंट्स देखते हैं। तो की पॉइंट्स से आपको लगता है कि यार ये बुक पढ़ने के लायक है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है, तो की पॉइंट्स ऐसे दिए रहते हैं कि वो एक उसी स्टोरी में से कुछ पर्टिकुलर पार्ट रहता है जो इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है, या फिर कोई थॉट्स रहता है, जैसे कि अब्दुल कलाम का बुक आप पढ़ रहे हो तो कोई उनका थॉट्स यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे कि अब्दुल कलाम का थॉट्स मैं यहाँ पे दिख देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, आई एम नॉट हैंडसम गाय बट आई कैन गिव हैंड टू समवन हु नीड हेल्प, सो लाइक दिस। तो आगे लिख सकते हैं आप APJ अब्दुल कलाम द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है ये किस तरह से मैंने लिख दिया, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो आप राइट क्लिक करके इस तरह से इग्नोर कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इस तरह से इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पे इग्नोर ऑल। तो दिखाई दे रहा है ये कैसे लेना है, आई कैन गिव, ओके आई कैन गिव है, यहाँ पे गिवन नहीं है, तो यहाँ पे समवन, ओके ठीक है, यहाँ पे भी आप APJ का ये कैपिटल कीजिए, हो गया। ये इस तरह से आप दिखाई दे रहा है आपको ये थॉट्स, आप हाईलाइट की पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, और वो सब होता है टेक्स्ट बॉक्स की मदद से। इवन टेक्स्ट बॉक्स में बहुत सारे तो टेक्स्ट बॉक्स है, आप यहाँ पे पोएम्स वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे पोएम्स स्टांजा कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो कि इंटरेस्टिंग रहेगा, एक रीडर का अटेंशन ग्रैब करने के लिए आप ये कोड को यूज़ कर सकते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, और इसे आप ड्रैग करके पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, उसके बॉर्डर पे माउस लेके आना है और ड्रैग करके जहाँ पे चाहिए वहाँ पे रख देना है दोस्तों। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। और इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन ऐसा है जिससे आप ड्रैग कर सकते हैं और कहीं पे भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, इवन आप हेडर की पोजीशन पे भी यहाँ पे टेक्स्ट लग सकते हैं बिना हेडर में कुछ एडिट किए। तो आपको जब लिखना रहता है यहाँ पे कुछ, सपोज क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाना है एग्जाम्स का, आप स्कूल में हो तो आप टाइटल में कुछ लिखना चाहते हैं जैसे टाइम वगैरह कितने घंटे है, तो ये आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 3 hours। और यहाँ पे इसकी बॉर्डर हटाने के लिए आपको पता है शेप इफेक्ट्स वगैरह ऑप्शन फॉर्मेट में रहता है, शेप आउटलाइन रहता है, नो आउटलाइन यहाँ पे नहीं आ रहा है, आप इसे इग्नोर तो कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि ये टेक्स्ट बॉक्स से आप कहीं पे भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, और टेक्स्ट का डायरेक्शंस भी आप चेंज कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट को अगर आप इस तरह से सपोज मैं हाइट बढ़ा देता हूँ और फॉर्मेट में जाता हूँ, फॉर्मेट में जाके अलाइन टेक्स्ट और टेक्स्ट डायरेक्शन में आप इस तरह से टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को इस तरह से भी आप रख सकते हैं, फॉर्मेट आपको जैसे करना है ये फॉर्मेट में टेक्स्ट डायरेक्शंस ऑप्शंस है।
तो काफ़ी अच्छे से फॉर्मेटिंग्स आप यहाँ पे उसे कर सकते हैं। रोटेट वगैरह भी ऑप्शंस दिया है, रोटेट भी आप कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स के मदद से हम लोग टेक्स्ट के अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पे ले सकते हैं, टेक्स्ट प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। और दो ऑप्शन यहाँ पे कवर करने वाला हूँ इसलिए वीडियो के अंदर में दोस्तों, वो है यहाँ पे मैंने पैराग्राफ तो ले लिया है, फिर से मैंने डिलीट कर दिया पूरा कंटेंट और पैराग्राफ ले लिया। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है और ड्रॉप कैप ऑप्शन एकदम सिंपल है। मैं ड्रॉप माउस पॉइंटर देखो, मैं उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ ड्रॉप। ये पहला अल्फाबेट जो है वो कैपिटल हो रहा है, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर वगैरह में रखा देखा होगा, मतलब जैसे वंस अपॉन अ टाइम स्टोरी बुक में रहता है ओ कैपिटल रहता है, न्यूज़पेपर में भी रहता है। तो ये थोड़ा सा एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसको ड्रॉप कैप बोलते हैं। एक रीडर का अटेंशन ग्रैब करने के लिए भी होता है और एक इंटरेस्टिंग है इस तरह से। आप इन मार्जिन मतलब मार्जिन के अंदर आएगा ड्रॉप, इस तरह से ड्रॉप कैप ऑप्शंस में जाइएगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक लास्ट ऑप्शन है जिसमें एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, ड्रॉप पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे लाइंस टू ड्रॉप कितनी रखनी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, 6-7 लाइंस भी रख सकते हैं। और डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट का गैप भी बढ़ा सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये गैप भी बढ़ रहा है और लाइन यहाँ पे ज़्यादा ऑक्यूपाई, 10 लाइन तक आप ले सकते हैं। तो वहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शन में आपको दिया है। इन मार्जिन्स में भी वैसे ही कर सकते हैं आप, और बॉडी का फॉन्ट भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मतलब अपनी जो फॉन्ट वहाँ पे पहले से आ रहा है उसकी जगह आप दूसरा फॉन्ट यहाँ पे ले सकते हैं ड्रॉप। और ओके चलो दिखाई दे रहा है फॉन्ट चेंज हो गया यहाँ पे दोस्तों। तो ये एक ड्रॉप कैप ऑप्शन मैंने आपको बताया। और लास्ट वर्ड आर्ट ऑप्शन इस वीडियो में देख लो दोस्तों, वर्ड आर्ट बस क्लिक करो, एक डिजाइनिंग वर्ड आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स की तरह ये, लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बॉक्स है। इसमें आप रोटेट भी कर सकते हैं टेक्स्ट को इस तरह से, और यहाँ पे टेक्स्ट कहीं पे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो आप, वेलकम वगैरह। तो और राइट मतलब इमेजेस के ऊपर टेक्स्ट लिखने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है, हैप्पी बर्थडे वगैरह ऐसा कुछ। ग्रीटिंग कार्ड आप बना रहे हो तो वेल एंड गुड, तो तभी आपको ये यूज़ ही होगा। इंसर्ट में वो है डायरेक्टली वर्ड आर्ट और ये रेडीमेड वर्ड आर्ट आ जाते हैं, और ये फॉर्मेटिंग्स आप कहीं पे भी रख सकते हैं टेक्स्ट का। तो ये मुझे बताना था, और इसके लिए फॉर्मेट टैब भी आता है दोस्तों, इतना ही नहीं है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसमें बैकग्राउंड कलर बदल सकते हैं आप, टेक्स्ट की स्टाइल्स, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट की सब कुछ, एवरीथिंग यू कैन चेंज हो योर, सभी के लिए ऑप्शंस दिए हैं। बस आपको माउस पॉइंटर लेके जाके उसका टेक्स्ट स्टाइल, ग्लो इफेक्ट, रिफ्लेक्शन इफेक्ट, एवरीथिंग यू कैन चेंज इट। तो आपको बस ये प्रैक्टिस करके देखना है। तो ये उम्मीद करता हूँ समझा होगा। और ये इंसर्ट टैब में ये ऑप्शंस मैंने अभी कवर कर लिए, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप कैप एंड वर्ड आर्ट। तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म होने वाला दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड की वीडियो के अंदर, लेकिन एक जरूर कहूंगा, वर्ड की सीरीज जारी है हमारे चैनल पे एक्सेल की, तो 150 से ज़्यादा वीडियो अपलोड है, चलिए वो वीडियो देखिए, वर्ड की वीडियो देखिए। आखिर में एक ही कहूंगा, सीखते रहो सिखाते रहो, बाय बाय।